नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक सूरज नाम के लड़के की है जो प्रारंभ में बहुत आलसी होता है, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे उसका जीवन एक साथ बदल जाता है। तो चलिए बिना आपका समय गवाए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। जब भी सूरज पढ़ने के लिए किताबें निकालता तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किताबें खुलते ही उसे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन करता था। उसकी माँ ने उसे खेलने से कभी नहीं रोका था, बस इतना समझाती थी कि बेटा खेलने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी होता है। पर सूरज का बिगड़ेल मन कहाँ ये सब सुनने वाला था। जब उसके सभी साथी स्कूल से आकर थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठ जाते और शाम को खेलने जाते, वहीं दूसरी ओर सूरज स्कूल से आते ही सीधा टीवी देखने लग जाता और शाम को खेलने चला जाता। पढ़ाई में मन नहीं लग पाने की वजह से कक्षा की परीक्षा में भी बड़ी मुश्किल से पास हो पाया। इतने कम नंबर देखकर उसकी माँ ने उसे खूब डांटा फटकारा और उसे पढ़ाई पर जोर देने को कहा। माँ के डर से सूरज पढ़ने के लिए बैठ तो जाता, लेकिन उसका चंचल मन पढ़ाई में उसका साथ नहीं देता था। एक शाम उसकी माँ ने उसे बताया कि धोबी अभी तक उसके स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर नहीं आया है। उसकी माँ ने उससे कहा कि शायद धोबी बीमार हो गया होगा। सूरज की माँ ने उसे धोबी के घर से स्कूल की यूनिफॉर्म लाने को कहा। धोबी का घर पास ही एक बस्ती में था, इसीलिए सूरज पैदल ही चल पड़ा। उस बस्ती में काफी गरीब लोग रहते थे और उस बस्ती में कई घरों में तो बिजली ही नहीं थी, लेकिन सड़कों पर बिजली के खंभे लगे हुए थे जो चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे। जब सूरज धोबी के घर पहुँचा तो देखा कि उसकी माँ का कहना सही था, धोबी बीमार पड़ा हुआ था, इसीलिए वह उसकी स्कूल यूनिफॉर्म लेकर नहीं आ पाया था। सूरज ने धोबी से अपनी यूनिफॉर्म ली और घर की तरफ चल पड़ा। सूरज रास्ते में चल रहा था कि तभी उसकी नज़र रास्ते में एक खंभे के नीचे बैठे लड़के पर पड़ती है जो किताबें खोलकर पढ़ रहा था। उसकी लगन देखकर सूरज उसके पास गया और उससे कहा, आखिर तुम इतनी रात को सड़क पर बैठकर क्यों पढ़ रहे हो? उस लड़के ने कहा, दिन भर में अपने पिता के साथ घर घर जाकर सब्जी बेचता हूँ और फिर दोपहर को पढ़ने स्कूल जाता हूँ और फिर शाम को घर आकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाता हूँ। क्योंकि उसका परिवार बिजली का खर्चा नहीं उठा पाता, इसीलिए रात का खाना खाकर यहीं पढ़ने बैठ जाता है। उसकी बातें सुनकर सूरज को बहुत बुरा लगा और मन ही मन वह रो पड़ा। उसने अपने आप से कहा, कहाँ मैं दिन भर टीवी देखता और खेलता रहता हूँ और कहाँ यह जो माँ और पिता के कामों में हाथ बटाकर भी सड़क पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। उस लड़के की लगन देखकर सूरज का सिर शर्म से झुक जाता है। उसके कदम तो घर की तरफ चल रहे थे, लेकिन उसका मन अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। घर पहुँचने के बाद उसने यह ठान लिया था कि आज के बाद वह पूरी लगन से और मन लगाकर पढ़ेगा। सूरज के इस फैसले ने मानो उसे पूरी तरह से बदल दिया। सूरज सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि अपनी पूरी कक्षा में फर्स्ट आया।